हेलो बेटा, आज की टॉपिक की हमारी शुभ शुरुआत। और हम 10वीं कक्षा में जो हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उसका एक टॉपिक लेंगे जो है अलैंगिक जनन। हम जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से हम दोहरा लेते हैं कि जनन क्या है। सभी सजीव अपने वंश में वृद्धि करने के लिए अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इस टॉपिक में मैं आज आपकी इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन भी फिर आगे कई प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन की अगर हम परिभाषा दें तो हम क्या देंगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अकेला ही पेरेंट्स, अकेला ही माता या पिता, अपने जैसी नर या मादा अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है। इस तरह के जनन में दो जीवों की नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह के जनन में जहाँ पर एक ही जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन फिर आगे कई प्रकार का है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं उनके किसी भी भाग से हम नया पौधा उगा सकते हैं। तो इस तरह के जनन को हम क्या कहेंगे, कायिक जनन। काया मैंने शरीर, यानी शरीर के किसी भी हिस्से से नए जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, कायिक जनन। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कायिक जनन है वो किस किस हिस्से से होता है। नंबर एक तो है जड़ों द्वारा। जड़ों से भी हम पौधे के किसी भी जड़ के किसी भी हिस्से से हम दूसरा जो पौधा है वो उगा सकते हैं। जैसे शकरकंदी है, उसमें क्या होता है कि जो जड़ है उसके किसी भी हिस्से से नया जो जीव है हम नया पौधा उगा सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। तो किसके द्वारा है ये, कायिक जनन, जड़ों द्वारा। दूसरा है इसमें हम चित्र की सहायता से भी देख पाएंगे। जैसे ये दिया है इसमें शकरकंदी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नया जो जीव उत्पन्न होता है वो किससे होता है, जड़ों द्वारा। तो इस जड़ क्या है, पौधे का एक भाग है। तो पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा उगा लेना कायिक जनन कहलाता है। तो हमने ये पढ़ा जड़ों द्वारा नया पौधा उगाना। तो इसको हम कहेंगे, इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसका जो उदाहरण लिया हमने, वो क्या लिया है, शकरकंद में। दूसरा है हमारा तने द्वारा जो है जनन। इसमें जैसे कई आलू है, हल्दी है, अदरक है, इस तरह के जो पौधे हैं इनमें हम तने के किसी भी हिस्से से नया पौधा उगा सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, तने द्वारा कायिक जनन। तो इस तरह का जो हम एग्जाम्पल लेंगे, ये चित्र द्वारा भी आप देख सकते हो, जो आलू होता है हमारा, उसमें आपने देखा होगा जब कई दिन हो जाते हैं आलू को रखे रखे, तो उसमें कई अंकुरित अंकुरण से निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ से होते हैं, आलू के ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम आँख बोलते हैं। तो वहाँ से वो अंकुरण निकलना शुरू होता है। जब हम उस आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबा देंगे तो उससे एक नया पौधा उग जाएगा और उससे बहुत सारे जो आलू हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ तने से, तने से हम दूसरे पौधे उगा सकते हैं। तो हमने जो कहा था, जो कायिक जनन है, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा उगा लेना कायिक जनन कहलाता है। तो आलू है, और ये जो है हल्दी है, अदरक है, इसमें हम जो नया पौधा है इसके तने से ही उगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा उदाहरण। तीसरी प्रकार है जो कायिक जनन की है, वो है पत्तियों द्वारा नए पौधे को उगा लेना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ब्रायोफिलम है, जिसको हम आम भाषा में पत्थर चट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पत्ते पौधे का जो पत्ती है उसको कहीं भी अगर हम दबा देते हैं उससे ही नया पौधा उग जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, आप इसमें पत्थर चट का आप चित्र भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा साफ साफ चित्र दिखाया गया है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। जो पत्थर चट का पौधा पौधा होता है, उसकी जो पत्तियों की जो किनारी होती हैं वो इस तरह से दानेदार होती हैं, और इनसे ही अंकुरित होके नया जो पौधा है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये तीन वो एग्जाम्पल लिए कि कायिक जनन के। कायिक मीन्स काया मैंने कायिक मैंने पौधे के किसी भी हिस्से से
नया पौधा उगा लेना कायिक जनन कहलाता है। तो हमने इसमें तीन प्रकार देखे, जड़ों द्वारा हम नया पौधा उगा सकते हैं, तने द्वारा हम नया पौधा उगा सकते हैं और पत्तियों द्वारा हम नया पौधा उगा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा बेटा कायिक जनन। इसी प्रकार से हम आगे फिर दूसरा टॉपिक करेंगे। ये हमारा एक टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया है। आपको समझ आया तो बताएं और अगला टॉपिक फिर बाद में करेंगे।